हवा की दिशा में बदलाव और रफ्तार में हल्की बढ़ोतरी होने के चलते दिल्ली के प्रदूषण में थोड़ी कमी आई है। हालांकि हवा अब भी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। अगले 2 से 3 दिनों तक में वायु गुणवत्ता का स्तर इसके आसपास रहने की संभावना है। अब राजधानी दिल्ली की बात करें तो वहां के लोग इस वक्त साल के सबसे ज्यादा प्रदूषण वाले दिनों का सामना कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जब दिल्ली की वायु गुणवत्ता का स्तर 200 अंक नीचे आया हो। अब इस बीच ज्यादातर वक्त वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब, बेहद खराब, गंभीर या फिर अत्यंत गंभीर श्रेणी में ही रहा है। हालांकि हवा की इस रफ्तार बढ़ने से प्रदूषण के स्तर में हल्का सुधार हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 310 अंक पर रहा, रविवार को ये सूचकांक 314 पर रहा। बादलों के छाए रहने के चलते सोमवार को NCR का न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा और अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया। सोमवार सुबह और दिन में भी कई इलाकों में हल्के बादल छाए रहे, इसके चलते न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सफदरजंग में सोमवार का न्यूनतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री कम है। दक्षिणी भारत की बात करें तो कुछ इलाकों में चक्रवाती तूफान मिचोंग का कहर शुरू हो गया है। इसे लेकर रेलवे ने दिल्ली के चलने वाली कई रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है। सोमवार से ही कई ट्रेनों का परिचालन बंद रहा और इसकी जानकारी यात्रियों को भी मैसेज के माध्यम से दी गई है। उत्तर रेलवे के मुख्य प्रवक्ता दीपक कुमार के मुताबिक चक्रवाती तूफान को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी भारत की ओर जाने वाली कई गाड़ियों को रद्द किया गया है। अधिकांश गाड़ियां फिलहाल 5 से 7 दिसंबर तक रद्द रहेंगी और अगले 2 से 3 दिन बाद की स्थिति का आकलन किया जाएगा और इसके बाद ही रेलगाड़ियों के उस रूट को परिचालन को लेकर निर्णय लिया जाएगा। इन गाड़ियों में दिल्ली, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और मदुरई जाने वाली गाड़ियां शामिल है। चेन्नई में तूफान के चलते एयरपोर्ट पर पानी भर गया है और इस वजह से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से चेन्नई जाने वाली आधा दर्जन उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। मौसम विभाग ने पहले ही चेन्नई, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान मिचोंग के आने की संभावना जताई थी। इस तूफान के प्रभाव से चेन्नई में भारी बारिश हो रही है और इसके चलते चेन्नई एयरपोर्ट के भीतर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। इस वजह से प्रशासन को चेन्नई एयरपोर्ट बंद करना पड़ा और सूत्रों ने बताया कि इस तूफान के चलते दिल्ली से सोमवार को चेन्नई के लिए किसी वाहन ने उड़ान नहीं भरी है।